तुम्हारे आस्थान शांत मान क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से जमान क्या नहीं पाता, कोई बेदर से खाली मांगने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान अदा काजरी और मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा काजरी हाजिर रखने उनके साथ। उम्मीद करता आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं गुफरान अदा काजरी ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में माहिम में। तो स्टार्ट करने वीडियो देखते रहना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वाक्य सुनते हैं और ज़ियारत भी करते हैं। आज मैं आपको हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हिस्ट्री बताऊंगा। आप जिनकी दरगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, आपका नाम है हजरत मखदूम फकी अली माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल मारूफ हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी यौम विलादत 10 मुहर्रमुल हराम 776 हिजरी 20 जून 1372 ईस्वी को हुई, और आपकी यौम विसाल 8 जुमादुस्सानी 835 हिजरी 10 फरवरी 1432 ईस्वी को हुई। आपके वालिद माजिद का नाम मौलाना शेख अहमद बिनते इब्राहिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपके वालिद माजिदा का नाम फातिमा बिनते नाखुदा हुसैन है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का लकब कुतबे कोकन है, और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का असली नाम अली है। एक रोज़ का वाक़या है कि हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की अम्मी जान की तबीयत ज़रा अलील थी, और आप हजरत मखदूम शाह बाबा से कहते हैं कि बेटा मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पीने के लिए पानी ले आ। मखदूम शाह बाबा पानी लेने चले जाते हैं। जब आप पानी लेके वापस आते हैं तो देखते हैं कि आपकी अम्मी जान सो गए थे, तो आप वो पानी का प्याला लेकर वहीं खड़े हो जाते हैं। तहज्जुद के वक्त जब आपकी अम्मी जान की आँख खुलती है तो आप देखते हैं कि मखदूम शाह बाबा पानी का प्याला लेकर वहीं खड़े रहते हैं। तो आप मखदूम शाह बाबा से कहते हैं कि बेटा अभी तक तुम सोए नहीं, तो मखदूम शाह बाबा कहते हैं अगर मैं सो जाता और बीच में आपकी आँख खुलती और आपको पानी नहीं मिलता तो आपको दुख होता था, और कहते हैं कि माँ मैं तेरा खादिम हूँ, मुझे तेरी खिदमत करने मज़ा आता है। और आपकी अम्मी जान कहती है कि बेटा तू मेरा खादिम नहीं बल्कि तू मखदूम है, और दुनिया तेरी खिदमत करेगी। आपकी अम्मी जान के मुंह मुबारक से ये लफ्ज़ तहज्जुद के वक्त निकला था, और तहज्जुद का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। जब आपकी अम्मी जान के मुंह मुबारक से ये लफ्ज़ निकल गया तो आपको पता है कि जब माँ दुआ करती है तो दुआ कबूल होती है, इसलिए माँ की बदवा से बचना चाहिए और माँ को खुश रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ लेना चाहिए। तो आपकी अम्मी जान तहज्जुद के वक्त दुआ करती है कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल तू मेरे बेटे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो आपकी अम्मी जान कहती है कि बेटा तू मखदूम है और दुनिया तेरी खिदमत करेगी। तो आज भी आप माहिम में जाके देख सकते हैं कि माँ की दुआ पूरी हो गई, तो अब से आपके नाम के साथ मखदूम लग गया। पार्ट टू में मैं आपको हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आगे की हिस्ट्री और हजरत खिजर अलैह सलाम का तख्त बताऊंगा। तब तक चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़ियारत करिए। और ये लब है तलब है तलब तू अता है अता तू को जा मन को जा तू जा मन को जा तू को जा मन को जा तू
मन को जा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा नूरी इमामा है तेरा मिंबर तेरा अरश पर तेरा आवाज हक कुतबा तेरा आफाक तेरा। हो गए ज़ियारत चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताने कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे अपने आप बुलाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।